तो इस तरह के डांस हो रहा है। चल अंदर भी गए, घर भी गए। तो ये देखिए बहुत तेज बारिश लगी। एक पाव भिंडी ली, एक ही पाव लेती हूँ मैं, और टमाटर भी एक पाव लिया है, तो बड़े बड़े टमाटर थे तो इसमें चार ही चढ़ेगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सरसाइज और योगा रूटीन मॉर्निंग में। तो देखिए किस तरह से मेरा मॉर्निंग में रूटीन होता है। तो सबसे पहले जब भी मैं उठती हूँ, टाइम कोई फिक्स नहीं है, जब भी मैं उठूँ तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ एक गिलास, और सभी को जो है एक गिलास कम से कम गुनगुना पानी पीना चाहिए। और जो वैसे तो ज़्यादातर लोग सभी पीते हैं, बट कई लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो नहीं पीते हैं गर्म पानी, तो ज़रूर पीना चाहिए सभी को। और उसके जो है 10-15 मिनट तक जो है टहलना चाहिए थोड़ा सा, और अच्छे से फ्रेश होके, तो उसके बाद जो है हमें एक्सरसाइज और योगा करना स्टार्ट करना चाहिए। और इस तरह का अगर हम रूटीन डेली फॉलो करेंगे, डेली हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो कम से कम मैं तो 1 घंटे करती हूँ डेली। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं तो है तो आधा घंटे या 20-25 मिनट कम से कम तो कर ही सकते हैं। अपने लिए इतना टाइम तो निकालना चाहिए सभी को, तभी हम लोग जो है फिट रह सकते हैं। और आजकल जो है लाइफ इतनी बिजी हो गई है, जैसे हम लोग हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, कोई भी हैं, तो हमें जो है अपनी फैमिली से, बच्चों के बीच से जो है थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा आइडिया यही है कि मॉर्निंग में जल्दी उठें, 4:30 या 4:45 बजे उठ जाएँ कम से कम, और अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह जो है मॉर्निंग में सभी चीज़ जो है आप लोग कर सकते हैं थोड़ा सा जल्दी उठ के। बस थोड़ा सा ये है कि मॉर्निंग में बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए, फटाफट से उठना चाहिए, और अपने जो भी काम है फटाफट से जो है सारे काम निपटा देने चाहिए, और फिर हमारा पूरा दिन भी अच्छे से जाता है और हम जो है फिट और हेल्दी भी रहते हैं। तो बस मेरी फिटनेस का राज यही है कि मैं जरूर कम से कम 5-7 साल से मैं हमेशा मतलब 1 घंटा योगा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और संडे को नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है बच्चों की, तो मैं अभी आराम से उठती हूँ लेट। तो बस ये है कि सभी को जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा भी करना चाहिए, साथ साथ में मेडिटेशन करनी चाहिए, और इससे तभी हम जो है अपने को फिट रख सकते हैं। तो जैसे कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, शादी के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, और सभी लोग अभी भी बोलते हैं कि अभी तुम बिल्कुल फिट हो, अभी लगता नहीं है कि इतने बड़े बच्चे हैं। तो बस यही मेरी फिटनेस का राज है कि मैं जो है एक्सरसाइज जरूर करती हूँ। और अब जिस दिन मतलब मैं योगा या एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, पूरा दिन जो है मेरा बर्बाद जाता है। और योगा एक्सरसाइज जब भी मैं करती हूँ तो बिल्कुल मैं अपने को दिन भर जो है फिट महसूस करती हूँ, बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, और जो भी काम मेरे होते हैं तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ। और संडे के दिन जैसे मैं लेट उठती हूँ तो उस दिन मैं नहीं करती हूँ, तो उस दिन पूरा दिन ऐसा लगता है कि मतलब लेटना था, पूरा दिन जो है आलस आता है, काम करने का भी मन नहीं होता है। अब वैसे आजकल जो है काफ़ी मौसम भी मानसून सीजन चल रहा है, तो दिन भर जो है बारिश होती है। तो जैसे कि पहले हम लोग जो है छत में भी काफ़ी टहलते थे, तो मॉर्निंग में अब नहीं टहलती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो मैं अकेली हूँ, अभी हस्बैंड नहीं है साथ में, तो मुझे घर के काम भी देखने होते हैं, बाहर के बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेने जाना, तो इसलिए मैं छत में सोचती हूँ कि अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, अंदर पे मैं जो जितना मेरे से हो सके वो मैं अंदर पे ही करूँ। तो बस ये देखिए इतने सारे जो भी ये एक्सरसाइजेज हैं तो काफ़ी अच्छी होती है, सुबह सुबह सभी लोग जो है ज़रूर करें इनको। और एक्सरसाइज करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा मैं करती हूँ रस्सी कूद, तो रस्सी कूद करना भी ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे जो है पूरी बॉडी का फैट हमारा बर्न हो जाता है। और ये ऐसा स्पेशल ऐसा नहीं है कि बैली फैट के लिए है, या मतलब पूरी बॉडी का जो भी हमारा फैट होता है हल्का हल्का, तो फिट रहते हैं बिल्कुल। तो रस्सी कूद ज़रूर करना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक करते हैं, तो बस मैं भी ज़्यादा नहीं मतलब 20-40 ऐसे काउंट करके बस इसी टाइप से करती हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा मुझे जो है पसीना आ गया है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और ड्राई फ्रूट्स जो है मॉर्निंग में ज़रूर जो है अपनी डाइट में सभी लोग जो है शामिल कीजिए। और जैसे मैं पहले से ही बस ज़्यादा नहीं, मैं बादामी भिगोती हूँ ज़्यादातर, और बच्चे नहीं खाते हैं तो उनके बदले के दिन भर पड़े रहते हैं इधर ही। तो बस जब भी हम लोग योगा या एक्सरसाइज करें तो उसके कम से कम 15-20 मिनट का गैप रखें, पहले रेस्ट करें और एकदम से ना खाएं, क्योंकि जितना भी हम लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं तो नहीं होगा हमारा वेट कम, क्योंकि एकदम से हम खा देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद रुक के खाएं। तो ये हैं काजू और बादाम, तो ये मैंने जो है रखे थे भिगोने के लिए, बच्चों के लिए भी हैं, अपने लिए भी हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज जो है मैंने बॉयल करे थे ये चने, तो बच्चों को काफ़ी पसंद है, और ये हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी काफ़ी होते हैं, और हैवी भी हो जाते हैं, थोड़ा सा भी ले लो जैसे खा लो तो पेट जो है भारी भारी सा हो जाता है, और ये काफ़ी प्रोटीन वगैरह सभी चीज़ें जो है इसमें मिलती हैं, तो ये अच्छा सोर्स है अपना वेट को जो है कंट्रोल रखने के लिए, मेनटेन रखने के लिए।
पहले थोड़ा सा खाओ और जो है हैवी सा लगने लग जाता है। तो इसमें मैंने चने बॉयल करे हैं, खीरा है, टमाटर है, प्याज है इसमें, और पनीर ली थी मैंने। तो जैसे बच्चे नहीं खाते हैं पनीर, तो अपने लिए जो है मैंने रखा है, छोटे छोटे से पीसेस जो है कट करके रखे हैं मैंने। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है सेंधा नमक मिला दिया है, और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे मिला रही हूँ अभी नमकीन, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं बिना नमकीन के। तो बच्चों को जो है टेस्टी लगेगा तभी वो खाते हैं। तो ये देखिए बच्चों के लिए ये प्लेट लगी हुई है। तो और जो मेन कारण हमारा होता है वेट को कंट्रोल करने का, जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से चबाना चाहिए, और जितना हम खाने को चबाएंगे वो अच्छे से हमें जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी पे जो है फैट भी नहीं होता है। तो अच्छे से चबा के खाएं। तो बस जो है अभी चले गया है स्कूल, और बारिश अभी भी झमाझम है, देखो भीमर, और इसका आज जो है आज एग्जाम नहीं है, इसका ब्रेक है आज। बारिश देखिए काफ़ी तेज़ लगी है। तो इस तरह के डांस हो रहा है, चल अंदर भीग गई। तो देखिए बारिश के मजे ले रही है देवो रानी। ओ पकड़ इसको, छाता उड़ गया, बंद कर। वो आंटी अब जा रही है, अब बीच वाला पूरा भीग गया। तो तो गाइस यहाँ पे बहुत बेहतर वाली बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं। और अभी स्कूल चले गया, मैं तेरा फिर देख रहा। और हम करेंगे यहाँ पे डांस। तो देखिए मजे ले रही है ये, मेरे सर में खुपड़े हो गए बारिश से। चलो भागो जेरी दरवाजे पे, और जेरी अंदर से देख रहा है कि कहाँ चले गए ये लोग। तो अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है, 6:15 अभी हो रही है टाइम, और मैं काट रही हूँ भिंडी रात के लिए। और अभी जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो इधर बिस्तर का हाल देखिए, इन दोनों का लड़ाई कर करके बहुत लड़ते रहते हैं, और जेरी भी बहुत खराब कर देती है इधर बिस्तर पूरा। और बेबो चले गए खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी की अभी जो है पढ़ाई जारी है, पर वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब फटाफट भिंडी काटती हूँ, और अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी तोरी की सब्जी। और अभी ये क्योंकि तोरी नहीं खाता है, तो इसलिए इसके लिए भिंडी बनेगी, और मेरी और बेबो के लिए बनेगी तोरी। एक पाव भिंडी ली, एक ही पाव लेती हूँ मैं, और टमाटर भी एक पाव लिया है, तो बड़े बड़े टमाटर थे तो इसमें चार ही चढ़े देखिए। तो अभी भी जो है यहाँ पे 160 रुपीज केजी है टमाटर, और बीच में सस्ते हो गए थे थोड़ा सा, और फिर महंगे ही हो गए हैं। तो देखिए एक पाव में चार ही टमाटर आए। ओ जेरी चल निकल, इतने महंगे टमाटर हैं, बर्बाद नहीं करना, चल जेरी। चलो देख भैया क्या बोल रहे हो, देख ले, हेलो कर, चल चलो नीचे बैठो, खाने का नहीं है, सब्जी है। तो देखिए आप जो है मैं पहले भिंडी बना लेती हूँ, तो अभी तो उजाला काफी है, और फिर थोड़ा सा छत में टहलने जाऊंगी क्योंकि काफी उमस हो रही है। तो एक साथ दो दो सब्जी और रोटी बनाए हुए पसीने आ जाते हैं, तो सब्जी छोड़ के चली जाती हूँ छत में, और फिर रोटियां बाद में बनेंगी। तो सब्जी जब तक पकती है थोड़ा सा छत में टहल के आते हैं, इधर ही पर रख दे। तो देखिए जब तक मेरी सब्जी बनती है, भिंडी बना दी है, और अब मैं तोरी थोड़ी देर में बनाऊंगी, थोड़ा सा छत में टहल लेते हैं क्योंकि अच्छा मौसम हो रखा है। और ये देखिए अभी बेबो बाहर है, तो यहाँ पे है अभी, और जेरी ने सारी झाड़ू देखिए तोड़ दी थी, तो अभी ने अभी इसको इकट्ठा कर दिया है। और नीचे देखिए डॉगी जा रहे हैं बहुत सारे, और जेरी उनको भोंक रही है, देखे ये देखिए जेरी को, और बहुत सारे देखे डॉगी जा रहे हैं इधर पे। बस अभी लग गया है थोड़ा सा अपना गेम खेलने, जेरी
जेरी भी बाहर के आ चुकी है, तो बस थोड़ी देर टहलते हैं और तब जाते हैं नीचे थोड़ा हवा खा के। और ये देखिए अभी लगे हैं काम पे, क्योंकि बारिश की जो है बूंदें पड़ने लग गई और अभी काम कर रहा है आज, क्योंकि कल उसका पेपर नहीं है, कल छुट्टी है, तो मज़े कर रहा। मुझे लग रहा है इसको अभी थोड़ा गेम खेलना होगा, इसलिए मम्मी को पटा रहे हैं। अच्छा, और इधर देखिए काम लगा हुआ है रोड का। ये देखिए हमारे दूसरे वाली गली में, ये देखिए इधर रोड बन रही है साय से। और जेरी देखिए चढ़ने के लिए, और ये देखिए दूध लेके आते हुए खेतों से, ये देखिए इधर। ओह माय गॉड, तो ये देखिए गाइस और तेज जो है बारिश हो गई है। मच्छर आ रहे अंदर, जेरी आ जा, आया बा बाहर नहीं आना, यहीं पर हो। जेरी भी गई। तो ये देखिए बहुत तेज बारिश लग गई है। ओ फिर से लेके मजे ले रहे बारिश के, देखो मस्ती कर रही है जेरी पानी में। अब देख रहा फिर जाएगी वो। ओहो देखिए जेरी मजे ले रही है बारिश के। बीमार पड़ना तब ना। आजा आजा आजा, सो पेपर है। तो ये देखिए जो है हमारी डिनर की थाली रेडी हो गई है। यहाँ देखो, और आज टाइम देखिए अभी 8:00 बजी है, क्योंकि बारिश तेज लग गई, कुछ काम नहीं था तो हमने जल्दी से डिनर बना लिया। भाई भिंडी है, आलू है, चलो भिंडी आलू तो ठीक है, प्याज भी ठीक है, पनीर आलू चाहिए। तो आज देखिए ये है, मैंने पहले भिंडी बनाई और पनीर वेस्ट हो रहा था, दो दिन से पनीर लाल का था, तो मैं सोचा ऊपर से डाल दूं। और एक बॉयल आलू बचा था क्योंकि उन्होंने सैंडविच खाए थे, और तो फिर ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए जो है डिनर करने वाले हैं, पसीना होने लगे, बाहर जितनी तेज बारिश है उतनी उमस अंदर। और यहाँ पे लाइटिंग का मैं छोटे छोटे से बल्ब हैं, और जब हस्बैंड रहते हैं तो वो चेंज करते रहते हैं, तो हम अकेले हम पहुँच नहीं पाते बल्ब में ऊपर, तो हम लगा नहीं पाते हैं, चढ़ नहीं पाते ऊपर, तो हम सेम रहने देते हैं। और ये मेरे मजाक उड़ा रहे हैं दोनों। तो चलिए हम लोग करते हैं डिनर, और डिनर की थाली तो आपने देख ही ली होगी हमारी, इतनी टेस्टी लग रही है, इतनी टमाटर बनाए मैंने, सोरी काफी टेस्टी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।